हेलो हेलो तो यही बनी है फोन भी आ गया उनका 2 बजे से 3 बजे तक इसने हमको रुका रखा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। चलो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त। मैं रोशनी रावत स्वागत करती हूँ आपका मेरी यूट्यूब चैनल रोशनी रावत में। एंड व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी मॉर्निंग से। मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल की तरफ। धूप तो इतनी तेज़ लग रही है ना, पूछो ही मत। धूप के चक्कर में तो ऐसा हो रहा है, अंदर ठंडा हो रहा है, मेरे रूम पे ठंडा ही होता है तो अंदर रूम पे ठंडा हो रहा है, बाहर गर्म हो रहा है। ठंडा गर्म करके मुझे हो जा रहे हैं दाने। तो एलर्जी टाइप, एलर्जी भी नहीं, मुझे बहुत पहले से होते हैं बट इस बार बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ही ज़्यादा पूरे बॉडी में। तो इस वजह से मैं चेकअप कराने के लिए जा रही हूँ, तो देखते हैं ब्लड टेस्ट कराते हैं उस पर क्या निकलता है। काफ़ी भीड़ हो रखी है। मैं नीचे मार्केट में गई हूँ और हॉस्पिटल से आके सीधे यहाँ को आई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अपने दोस्त की, मतलब नंद की शादी है तो वहाँ आज महिला संगीत है, तो सोच रही हूँ जाऊँगी करके, तो उसके लिए गिफ्ट ले रही हूँ, छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। तो यहाँ दुकान से, मैं यहाँ से ही ले जाती हूँ छोटे मोटे, मतलब सामान इनकी दुकान से, छोटे मोटे क्या, कोई भी सामान ले जाती हूँ ना आपकी दुकान से, तो यहीं आई दौड़ के मैं। तो अभी भैया पैक कर रहे हैं सामान मेरा गिफ्ट, तो फिर चलो अब चलते हैं थोड़ी देर में, शाम को वहाँ जाएंगे तो ले जाऊंगी, नहीं तो भिजवा दूंगी। कुछ कंफर्म नहीं हुआ ना मेरा, तो बच्चे रहते हैं नहीं रहते हैं, अगर रहेंगे तो जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगी। फाइनली तैयार हो गई हूँ, मैं जाने लगी हूँ मार्केट में, पहुँच गई, अचानक ही भाई मिल गया। दुर्गा आंटी लोग नीचे वेट कर रहे हैं, गाड़ी एक ही सीट बच गई है बस तेरे लिए, जल्दी आ जा, अगर नहीं आएगी तो वो भी चले जाएंगे। फोन भी आ गया उनका, मिल गई यहाँ पे दुर्गा आंटी और गाड़ी फुल हो गई है, मैं तो लाल हो गई हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे बैठ गए हम लोग। अभी संगीत स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर में होगी। हेलो 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 हेलो, बधाई बधाई। दुल्हनिया दुल्हनिया दुल्हनिया, दुल्हनिया तो यही बनी है, बच्चे बन रही है। ये है यहाँ का गांव, बिसंग गांव। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, कहाँ पे होने वाले, ऊपर शायद कि वहाँ वहाँ शायद वहाँ पे। अभी मैं हवा खाने के लिए बाहर आ रखी हूँ, अंदर बहुत सारे लोग हैं तो घुटन जैसी हो रही है, तो इस वजह से मैं हवा खाने के लिए बाहर आ रखी हूँ। जाने लगे हैं लेडीज हैं, ओए यूँ का सजा दी दुर्गा आंटी। अभी ये पीछे से इधर से हटेंगे तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, हट ही नहीं रहे, सब कुछ बिगाड़ दिया।
सभी लोग जाते हैं फिर ना ऐसे ऐसे ना नजर उतारने के लिए परिवार के सारे। हमारे वहाँ एक या एक जने या दो जने जाते हैं। भीड़ देखो ये इतनी सारी है, पीछे तो और ज्यादा है। पीछे को घुमाने में थोड़ा अलग ही लग रहा है। चलो 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 लोग थे जाते टाइम, कितने लोग आए हैं? एक दो तीन चार, चार लोग आए, चार भूली भाली गए बाकी के आए तो सही आधे रास्ते तक, फिर कहाँ पता नहीं कहाँ चले गए। ठंडा गरम हो गया, ठंडा गरम। चलो फिर चलते हैं हम लोग पैदल यात्रा यहाँ से ऊपर तक। हनुमान मंदिर से जाते हुए हनुमान गली
मैं जब भी आती हूँ यहीं से जाती हूँ, मतलब आना जाना यहीं से होता है, शॉर्टकट भी हुआ। ये आ गई लबू, काबे की दोस्त आ गई। काबू कसीबू से इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, चलो 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 आमदार महिला को नहीं तो खाली हल्का सा है, बिल्कुल हल्का ही कुछ सामान ये लाई है, बहुत ज्यादा शॉपिंग कर आई है। ये लब्बू की दादी, ये लब्बू के पापा, वो लब्बू इंगूर जैसा लगा है किसी ने कान खींचे हैं नहीं, रेड, अरे इंगूर जैसा लगा है, देखो यहाँ देखो इंगूर लगा है, देखो 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 ये इंगूर लगा है, ये लाल लाल देखो देखो, अरे मांग भरने वाला कौन है, बोलो मेरी सौतन रूम पे पहुंच गई हूँ मैं, और आते ही हमने मार्केट से अचार लिया था, अचार अचार शुद्ध में अचार लिया था। तो क्या कहते हैं, मैं खा रही हूँ, कहाँ का आता है यार टनकपुर वाले, वो चलती सुखी डांग, हाँ सुखी डांग का, सुखी डांग में मिलता है ना, सुखी डांग के चलती पे मिलता है, हफ्ते में या महीने में उनकी गाड़ी आती है। तो आज हमें दिख गई उनकी गाड़ी, तो बोल रहे थे कोई फिक्स नहीं हुआ दिन का, मतलब कभी भी आते हैं, कभी कभी भी आ जाते हैं करके। तो मैंने हमने ले लिया था वहाँ से, सीवी को ऊपर से लेके आ गई, और थोड़ा सा तबीयत ठीक ही हो रखी है, मतलब गर्म हल्की हो रखी है, ठंडी हो रखी है, सोने के बाद तो गर्म बच्चे होते ही हैं, तो थोड़ा सा बुखार मतलब इसका झाड़ने से मतलब ठीक हो रखा है, जो मैं झड़वाने के लिए गई थी वहाँ, तो झाड़ने की वजह से इसको थोड़ा सा ठीक हो रखा है अभी, है इसकी थोड़ी सी थोड़ा सा गर्माहट है, तो मैं उसको पट्टी लगाती हूँ, ठंडी पट्टी करती हूँ। हाँ बब्बा ठंडी पट्टी, नहीं बब्बा आपने जूस नहीं पीना है, गलत बात, ये दीदी का है, बुखार आया ना तेज बुखार हो जाएगा, डॉक्टर सुई लगाएगा फिर। हाँ काव्य गई है, लघु दोस्त आ गई है, तो उसके पास मिलने के लिए गई है। तो चलो फिर आज का व्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, करना ना भूलना दोस्तों। बाय बाय।